आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू चीज पराठा। इसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच तेल के, 1/2 छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम इन सभी को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद धीरे धीरे पानी डालते हुए ना आटा गूंद लेंगे। परांठे के लिए हमें थोड़ा सॉफ्ट डो चाहिए और डो रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है 4 उबले हुए आलू। इसे मैश कर लेंगे। एक छोटा प्याज, धनिया पत्ता, 1 कप चीज, 1/2 नमक स्वाद अनुसार। इस बात का हमने ध्यान रखना है कि हमने पहले आटे में भी नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी स्टफिंग रेडी है। अब हम आटे का एक पेड़ा बना लेंगे और उस पर थोड़ा सूखा आटा लगा के ना उसे बेल लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो इसका साइज है ना वो हम रोटी से थोड़ा बड़ा लेंगे। इसमें स्टफिंग डाल देंगे जो फिलिंग हमने रेडी की है। इसे थोड़ा प्रेस कर देना है। और अब हम इसे सारी तरफ से फोल्ड कर देंगे। वो थोड़ा हाथों से इसे प्रेस करके इसके ऊपर सूखा आटा लगा देंगे और इसे फिर से बेल लेंगे। ऐसे हम सभी परांठे रेडी कर लेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब हम इसे गरम तवे पर पका लेंगे और 2 से 3 मिनट इसे हमें सेक लेंगे। और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसके ऊपर तेल लगा देंगे। अगर आप चाहें तो देसी घी, बटर, जो भी यूज़ कर सकते हैं।
जब दूसरी तरफ से थोड़ा पक गया तो साइड चेंज करके उस पे भी ऑयल लगा देंगे। और जी हमारा परांठा रेडी है। इसी तरह से हम सभी परांठे रेडी कर लेंगे। जी हमारे आलू चीज़ी परांठे रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।